गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। सो व्हाट इज हीट ट्रांसफ़र? हीट ट्रांसफ़र इज दैट साइंस विच इज़ कंसर्न्ड विद द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लोज विद इन अ मीडियम अक्रॉस एन इंटरफेस और फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर एंड एसोसिएटेड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। हीट ट्रांसफ़र वो साइंस होती है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, चाहे वो किसी मीडियम में हो, चाहे वो इंटरफेस पे हो, चाहे वो वन सरफेस टू अनदर हो, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र? जैसे कि आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली हीट वर्क एनर्जी इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र में नाम ही हीट है जो आप पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। सो देर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज इन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेनली देर आर मेनली टू डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस तो होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम अमाउंट निकालते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो किसी सिस्टम के अंदर, तो कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है आपके अमाउंट वहाँ पे। जबकि हम हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को कि किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। सेकंड डिफरेंस होता है कि हीट ट्रांसफ़र नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब उसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, केमिकल भी हो, थर्मल भी। हीट ट्रांसफ़र में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसीलिए इसे नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना बुलाते हैं। नेक्स्ट, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आपके पास एक थर्मस है जिसके अंदर हॉट कॉफ़ी है। हॉट कॉफ़ी का इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था। कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके अंदर जो कॉफ़ी है, पहले उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था, तो कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपको ये बता सकती है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई होगी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होने में, बट वो आपको ये नहीं बता सकती कि कितने टाइम बाद 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ होगा। तो टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसमें, वो आपको हीट ट्रांसफ़र की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड्स मतलब होता है कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, किस किस मेथड से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। देर आर मेनली थ्री वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफ़र्ड। वन इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगा, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या इनके कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है कि तीनों ही हो रहे हों एक साथ, कंडक्शन भी हो रहा है उस टाइम, कन्वेक्शन भी हो, रेडिएशन भी। अभी वन बाय वन हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, उसके बाद कॉन्वेक्शन, उसके बाद रेडिएशन। सो व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन एक वो हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है जिसमें जो मेनली सॉलिड्स के बीच में होता है, जो सॉलिड्स में होता है। और क्यों होता है? मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जब किसी हॉट बॉडी में कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोल सकते हो कंडक्शन इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच आर जनरली अकर्स इन सॉलिड्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होती है, बाय मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी एंड ऑल्सो बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई मेटालिक रॉड है, अब उस मेटालिक रॉड के एक एंड को आपने हीट किया विद सम हीटिंग सोर्स। तो आप देखो कि जो इस मेटालिक रॉड के वन एंड से सेकेंड एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कंडक्शन से होगी, क्योंकि ये सॉलिड है। कैसे होगी? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाइब्रेट करते हुए आगे पहुँचाएंगे एनर्जी को, तो इसे वाइब्रेशन एनर्जी बोलेंगे। सेकेंड, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके मूव करेंगे, तो मूव करते करते आपको कंडक्शन कराएंगे। इसका मतलब कंडक्शन जो होता है वो फ्री सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और वाइब्रेशन एनर्जी के कारण होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि टोटल एनर्जी का कितने परसेंट वाइब्रेशन एनर्जी के कारण कंडक्शन होता है और कितना इलेक्ट्रॉन्स के कारण,
सो 30% ऑफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है वो लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी के कारण होती है, और जो रिमेनिंग 70% हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। दैट मीन जो मेजर रोल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सॉलिड्स में कंडक्शन होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही अच्छा थर्मल कंडक्टर होगा। इसको हम आगे समझेंगे अभी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन इज देयर दैट कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और थर्मली भी। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आती है। अभी हमने समझा कि थर्मल कंडक्टिविटी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। नेक्स्ट आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, और हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन क्या होगी? हीट ट्रांसफ़र एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन क्या होगी? हाइयर से लोअर की तरफ, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2, सो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो T1 से T2, कोई प्लेन वॉल है वहाँ से आपके ये कंडक्शन हो रहा है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डेली लाइफ में आपने महसूस किया होगा। मान लीजिए विंटर का टाइम है, आपके घर की जो दीवार है, जो रूम में वॉल है, वो आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री है, इनसाइड जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। अब हीट ट्रांसफ़र होगी, तो जो हीट ट्रांसफ़र है जी, जो वॉल में होगी वो कंडक्शन के थ्रू होगी। वॉल का जो इनर सरफेस है वो आपका गर्म है, आउटर सरफेस जो कि एनवायरनमेंट के टच में है वो उसका टेम्परेचर कम है, तो ये कंडक्शन के थ्रू जाएगा। ये प्लेन वॉल का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट अब देखिए, इसमें ज़रूर नहीं प्लेन वॉल में ही कंडक्शन हो, कंडक्शन आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि शेप क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही किसी में भी हो सकता है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि कहाँ से कहाँ होगा। देखिए टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें जो हमारी डायरेक्शन होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि डायमंड नॉन मेटल है फिर भी वो इतना, उसकी थर्मल कनेक्टिविटी इतनी हाई क्यों होती है? डायमंड इज नॉन मेटल, जबकि मेनली मेटल्स की अच्छी होती है थर्मल कनेक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी मैक्सिमम थर्मल कनेक्टिविटी रखता है बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट क्रिस्टलाइन मॉलिकुलर लैटिस अरेंजमेंट। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इतना परफेक्टली क्रिस्टलाइन मॉलिकुलर लैटिस अरेंजमेंट होता है, जिससे कि उसकी थर्मल कनेक्टिविटी मैक्सिमम होती है। आगे हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है तो थर्मल कनेक्टिविटी कितनी है। नेक्स्ट इंसुलेटर्स आर वेरी वेरी लो थर्मल कनेक्टिविटीज। जो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी थर्मल कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। ये थर्मल इंसुलेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे एस्बेस्टस, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ग्लास वूल, तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो जहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र काफ़ी कम होगा। अगर इन मटेरियल्स में आप थर्मली कंडक्ट कराओगे तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र काफ़ी कम होगा। अब नेक्स्ट, क्या सॉलिड्स में ही होता है कंडक्शन? नहीं, सॉलिड्स कंडक्शन कैन ऑल्सो अकर इन गैसेज एंड लिक्विड्स, बट वो काफ़ी कम होता है। अगर आप वैल्यू कंपेयर करोगे, सॉलिड्स में कंडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, थर्मल कनेक्टिविटी सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की और गैसेज की कम होती है। सॉलिड के बाद लिक्विड, की लिक्विड के बाद गैसेज, गैसेज की सबसे कम होती है थर्मल कनेक्टिविटी। अब क्यों होती है उसके अंदर? हमने समझा था कि सॉलिड में जो थर्मल कनेक्टिविटी होती है वो होती है किसके कारण? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन एनर्जी एज वेल एज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। बट इन गैसेज एंड लिक्विड्स द कंडक्शन इज मेनली बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण सॉलिड्स में और लिक्विड में क्या होता है आपका कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होता है। नेक्स्ट अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि थर्मल डायमंड नॉन मेटल है फिर भी मैक्सिमम थर्मल कनेक्टिविटी है 1000।
सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम काफ़ी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती हैं। नाउ एयर के एग्जांपल देखिए, एयर इज अ गैस, तो कितना कम है, 0.02 कंपेयर करके देखिए जो सॉलिड्स हैं काफ़ी ज़्यादा है, एंड एयर इज हैविंग वेरी लो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, दैट मीन्स द गैसेज आर हैविंग वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटीज। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज द कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली अकर्स बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड द सराउंडिंग फ्लूइड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी। कॉन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफर का मोड होता है जो मेनली एक सॉलिड सरफेस और एक फ्लूइड के बीच में होगा, और जो फ्लूइड है वो फ्लो कंडीशन में होगा, स्टैटिक कंडीशन में नहीं होगा। दैट मीन्स एक सरफेस होगा सॉलिड का, उसके ऊपर से कोई फ्लूइड पास कर रहा होगा और वो फ्लूइड की मोशन हो रही होगी, वो स्टैटिक नहीं होगा, तब जाके हम बोलेंगे कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन दो तरीके से हो सकता है, कन्वेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। अब ये डिपेंड करेगा कि जो मोशन ऑफ द फ्लूइड है वो कैसी है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो फोर्स कन्वेक्शन का मतलब है जी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड है, मैंने आपको बताया मूवमेंट होनी चाहिए, अगर फोर्सफुली कराओगे तो फोर्स कन्वेक्शन है, अगर मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आप नेचुरली करा रहे हो तो वो नेचुरल कन्वेक्शन है। इन दैट इस एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कोई आपका हॉट एग है वो उसका एयर के साथ कन्वेक्शन हो रहा है, तो अगर फोर्सफुली एयर के मूवमेंट करा रहे हैं तो फोर्स कन्वेक्शन होगा, नेचुरली करा रहे हैं तो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई आपकी प्लेट है, आपकी हीटेड प्लेट है, अब उसके ऊपर से कोई कोल्ड एयर पास हो रही है नेचुरली, तो प्लेट से एयर की तरफ आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी कैसे, कन्वेक्शन के थ्रू, तो इसे नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे। कन्वेक्शन हीट फ्लो इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आइदर स्लो और फास्ट, चाहे वो फास्ट हो या स्लो बट मूवमेंट होनी चाहिए फ्लूइड की। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज द रेडिएशन। रेडिएशन इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, हैंस अकर्स बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन एक वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण प्रोपेगेट करता है, तो चाहे वैक्यूम हो चाहे किसी मीडियम में हो रेडिएशन आपका हो सकता है। इवन देन जो वैक्यूम में रेडिएशन होगी जो हीट ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, रेडिएशन इज मोर इफेक्टिव इन वैक्यूम देन इन एनी मीडियम। और एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि सन से अर्थ की तरफ जो हीट ट्रांसफर होती है बाय द रेडिएशन होती है मेनली, तो सन से जब आपके तो एनर्जी अर्थ पे आती है तो बीच में वैक्यूम भी आता है, तो वैक्यूम से भी पास कर जाती है, इसका मतलब ये रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मीडियम है, इसमें देखिए एक आग ले जली हुई है, दूसरा हैंड है किसी ह्यूमन हैंड, तो बीच में मीडियम है फिर भी रेडिएशन हो रही है, तो मीडियम हो चाहे वैक्यूम हो रेडिएशन आपके हो सकती है। अब रेडिएशन हीट ट्रांसफर डोमिनेट करता है अगर रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू कंडक्शन कन्वेक्शन से ज़्यादा होती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन डोमिनेट करता है कंडक्शन कन्वेक्शन को। अब इस एग्जांपल में आप तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को एक साथ देख सकते हो। देखिए मान लीजिए कोई फायर है, कहीं पर आग जला रखी है आपने, तो अगर वो पहले आपने रॉड पकड़ी हुई है, रॉड से पहले रॉड का एक एंड गर्म होगा, उस एंड से सेकेंड एंड तक अगर जब हीट ट्रांसफ़र होगी उसे हम कंडक्शन बोलेंगे, क्योंकि सॉलिड के बीच में हो रही है, सॉलिड में हो रही है कंडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए कन्वेक्शन, फायर से पहले कोई फ्लूड मतलब एयर पहले गर्म होगी, वो गर्म हॉट एयर आपके हाथों तक पहुँचेगी, तो ये कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। लास्ट है रेडिएशन, कि जो जहाँ पे आग जली हुई है वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके हाथों तक पहुँचेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट लॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए जिससे कि हीट ट्रांसफ़र में कैलकुलेट कर सको आपके रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है। फर्स्ट
फूरियर्स लॉ आया था कंडक्शन के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने कन्वेक्शन के लिए बताया, एंड लास्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने रेडिएशन को डिफाइन किया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालोगे। नाउ फर्स्ट इज फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में हमें क्या बताया कि अगर कंडक्शन किसी प्लेन लेयर में हो रही है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पे, कि उसकी थिकनेस क्या है, उसका एरिया क्या है और उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द हीट ट्रांसफ़र एरिया, बट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द लेयर। लेयर की थिकनेस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर डिफरेंस और हीट ट्रांसफ़र एरिया। यहाँ पे इसे सेपरेटली दिखा दिया आपको कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफ़र एरिया, रेट ऑफ हीट कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द लेयर। तीनों को कंबाइन करोगे तो इक्वेशन मिलेगी आपको क्यू इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई डी एक्स। मॉडिफाई करोगे माइनस साइन आगे लाइए, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब हेयर नेगेटिव साइंस रिप्रेजेंट्स दैट हीट ऑलवेज फ्लोज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स हायर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हमेशा होगी। यहाँ पे जो K है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी, A इज द हीट ट्रांसफ़र एरिया। ये एरिया आपको कौन सा लेना है कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, जहाँ जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया है वो एरिया लेना है आपको A। नेक्स्ट डी टी टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स इज द थिकनेस, और डी टी बाई डी एक्स को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बुलाते हैं अगर एक साथ आप इनको बोलोगे तो। नाउ नेक्स्ट मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए प्लेन वॉल है आपका जिसके थिकनेस डी एक्स है, टेम्परेचर टी वन सिंगल फेस पे है और दूसरे फेस पे टेम्परेचर टी टू। अगर इसको थ्री डी में आप समझो इस टाइप से है, ये कोई वॉल है जिस वॉल की थिकनेस डी एक्स है जिसकी विड्थ बी है हाइट एच है, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगी, टी वन से टी टू। टी वन पूरे सरफेस का टेम्परेचर है इसका, ए ई डी जो ये कंप्लीट सरफेस है इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये टेम्परेचर पूरे वॉल का सेम है एक साइड में। सेकंड साइड में आइए यहाँ पे बी जी एच सी, इस पूरे का टेम्परेचर टी टू, हर जगह पे टी टू है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो पीछे वाले सरफेस से आगे वाले सरफेस की तरफ होगी। तो एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब बी इन टू एच वाला एरिया लेना है इसमें, ठीक है। तो जब आप इसमें लोगे तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स सिंपली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई एरिया। जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो एक क्वांटिटी होती है उसे हम हीट फ्लक्स बुलाते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ ने कुछ अजम्पशंस लिए थे उसके बाद आपको लॉ दिया है। फर्स्ट अजम्पशन है स्टडी स्टेट कंडीशंस। स्टडी स्टेट कंडीशंस का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, अब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो। हीट फ्लो तो आपकी तीनों डायरेक्शन में हो सकती है एक्स वाई जेड, बट आपको यहाँ पे मानना है यूनिडायरेक्शनल, या तो वो एक्स में हो रही होगी या वाई में या जेड में। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन, जहाँ से भी आपकी कंडक्शन हो रहा है वहाँ पर इंटरनली कोई हीट सोर्स नहीं है। लास्ट मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, मीन्स कि जो मटेरियल है वो उसकी प्रॉपर्टी ईच एंड एवरी पॉइंट पे एंड ईच एंड एवरी डायरेक्शन पे सेम है। तो आप कह सकते हो जो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे विद इन द मटेरियल इज सेम एंड आल्सो सेम इन ईच डायरेक्शन, तो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी सेम है। नाउ अब इसको थोड़ा समझते हैं अजम्पशंस किस टाइप से ली। जनरली जो होता है टेम्परेचर वो फंक्शन होता है एक्स वाई जेड और टी का, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी और जेड में भी, और टाइम के साथ भी वो चेंज होता है।
तो फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उस कंडीशन को मैं स्टेडी स्टेट बोलता हूँ। तो जो पहला अजम्पशन था वो क्या एज्यूम किया था, फर्स्ट अजम्पशन फूरियर लॉ ने, कि जो हमारा कंडक्शन है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर। नेक्स्ट, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो किसी सिंगल का फंक्शन है, या तो एक्स का या वाई का या जेड का, इसे यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो हम बोलेंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन वॉल है जिसका जो बैक साइड में है उसमें तो उस सरफेस पे तो टेम्परेचर 20 है हर जगह पे, आगे वाले सरफेस पे 3 डिग्री सेल्सियस है, और जो इसकी विड्थ के अलॉन्ग है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। तो जो आपका एक्स में भी हो सकती है हीट ट्रांसफ़र, तो वाई में भी जेड में भी, पर आपको मानना है कि अभी एक्स की तरफ हो रही है, बस 20 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। 11 डिग्री सेल्सियस वाले की तरफ आपको हीट ट्रांसफ़र नहीं मानना। आप इसको इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। मान लीजिए आपका घर है तो वॉल दीवार से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है आपकी, ठीक है, तो एक्चुअल में जो वॉल से वाई में और जेड में भी हीट ट्रांसफ़र होगी, बट उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। मेन जो डायरेक्शन है, जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो आपकी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हो रही है, इसीलिए हम उनको इग्नोर कर सकते हैं जो अदर टू डायरेक्शंस में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए हम इसे यूनिडायरेक्शनल को एज्यूम कर सकते हैं, कुछ जगह पर ही एप्लीकेबल रहता है, ठीक रहता है। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें टू डायमेंशनल हीट फ्लो दिखा रखी है आपको, एक्स में भी हो रही है और वाई में भी हो रहा है। इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस वाले सरफेस से 70 डिग्री सेल्सियस वाले सरफेस की तरफ भी हो रहा है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ये आपका जो साइड वाला सरफेस है उसमें 65 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका ये सेकंड क्यू वाई आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब ये टू डायमेंशनल हीट फ्लो है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप से। अब देखिए, हीट ट्रांसफ़र में हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे पहली चीज़, तो अभी कंडक्शन को निकाल रहे हैं, उसके बाद कॉन्वेक्शन भी निकालेंगे। फर्स्ट क्या पूछा, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया, इसका मतलब हीट फ्लक्स पूछा है आपसे। थ्रो ए कॉपर प्लेट 45 mm थिक हुज वन फेस इज मेंटेन्ड एट 350 डिग्री सेल्सियस एंड अदर फेस इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एज 370 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है कि कोई कॉपर की प्लेट है जिसके टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन का मतलब है कि स्टडी स्टेट में है, जिस फेस का 350 डिग्री सेल्सियस है वो 350 ही रहेगा, और दूसरे फेस का 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 रहेगा, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, 350 वाले सरफेस से 50 डिग्री सेल्सियस वाले सरफेस तक, ठीक है। थिकनेस आपकी 45 है और थर्मल कनेक्टिविटी 370 है। अब मुझे पता, ये डायग्राम आप बनाइए, T1 पता आपको, T2 पता आपको, DX पता आपको, ठीक है, और K की वैल्यू पता। अब मैं इसमें फूरियर लॉ लगा सकता हूँ, तो फूरियर लॉ ने क्या बोला, -KA dT/dx, तो क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, -KA dT/dx। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, हीट फ्लक्स दैट विल कम्स आउट 2.466 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हीट फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो होता है वॉट में, हीट फ्लक्स होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर में। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्लेन वॉल इज 150 mm थिक एंड इट्स वॉल एरिया इज 4.5 m² इफ इट्स कंडक्टिविटी इज 9.35 W/m² एंड सरफेस टेम्परेचर आर स्टडी एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन, फर्स्ट में आपको निकालना है हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन वॉल, नेक्स्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द फ्लो डायरेक्शन। क्वेश्चन है कि कोई आपकी वॉल है, प्लेन वॉल, जिसकी थिकनेस 150 mm है, वॉल एरिया, वो एरिया दे दिया है आपको जहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है 4.5 m², थर्मल कंडक्टिविटी
प्लेन वॉल जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो भी गिवन है 9.35। और टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे है, एक सरफेस का 150 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 45 डिग्री सेल्सियस, और वो स्टडी स्टेट में है, मतलब जिसका 150 है उसका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, 150 ही रहेगा, 45 वाले का 45 ही रहेगा। अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है हीट फ्लो, दैट मीन्स रेट ऑफ हीट फ्लो कि प्लेन वॉल से कितना हो रहा है। तो आपको डी एक्स की वैल्यू पता है, ए की पता है, टी वन टी टू के, इसमें फोरियर लॉ लगाइए एंड दी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बिकम्स आउट 29452.5। नेक्स्ट अब टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है इन द फ्लो ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब आप यहाँ से जो फूरियर लॉ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, क्यू की वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई के ए, आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। अब फूरियर लॉ ने मुझे थर्मल कनेक्टिविटी तो दे दी, के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसे बोलते हैं हम, अब इसे डिफाइन कैसे करोगे आप, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए डी टी, के क्यू के बराबर हो जाएगा अगर डी एक्स ए और डी टी वन हो, दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम व्हेन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज ऑल्सो यूनिट। तो थर्मल कनेक्टिविटी की इस तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हो, क्यू की यूनिट क्या है वॉट, टी एक्स की मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर एंड डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो प्योर मेटल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अलॉयज, अगर आप कुछ एडिशन करते हो कि कोई इम्प्योरिटी डालते हो मेटल्स में तो उनकी थर्मल कनेक्टिविटी कम हो जाती है। थर्मल कनेक्टिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मटेरियल के स्ट्रक्चर पे, मॉइस्चर कंटेंट पे, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वो जो मटेरियल स्ट्रक्चर वाला है वही पॉइंट हम डायमंड में पढ़ते हैं, डायमंड की स्ट्रक्चर परफेक्टली क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसकी थर्मल कनेक्टिविटी मैक्सिमम होती है। नाउ द थर्मल रेजिस्टेंस। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कंडक्शन के, तो आपको एक अप्रोच यूज करनी होगी, इसे इलेक्ट्रिकल एनालॉगी अप्रोच बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम इलेक्ट्रिकल में सॉल्व करते थे वैसे ही हमें थर्मल में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ था, यहाँ पे फूरियर लॉ है। ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हम एक फूरियर लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं, हीट फ्लो रेट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई के ए। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, वहाँ पे करंट फ्लो होता था, यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जो आपका रोकता था हीट फ्लो करंट को, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस रोकता है, और उस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। जैसे आपने कंपेयर किया तो आपने वैल्यू देखी डी एक्स बाई के ए, सो थर्मल रेजिस्टेंस इन कंडक्शन इक्वल टू थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। आप इस टाइप से नेटवर्क का बना सकते हो, टी वन टी टू टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके कारण हीट फ्लो हो रही है, क्यू हीट फ्लो हो रही है जो फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस डी एक्स बाई के ए। अब सिंपल प्लेन वॉल भी हो सकती है, कंपोजिट वॉल, मान लीजिए कोई कंपोजिट वॉल है, एक वॉल है उसके बाद एक और वॉल लगी हुई है और उसके साथ एक और वॉल लगी हुई है, तो इन तीनों वॉल की अपनी अपनी क्या होगी, कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ये, तो आप इनको सीरीज में बोलोगे, तो सीरीज में पहला रेजिस्टेंस किसका हो गया, ए का आर ए, दूसरा आर बी, तीसरा आर सी, और हीट फ्लो हो रही है तो उसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और टेम्परेचर है पहले का टी वन, फिर टी टू, टी थ्री एंड टी फोर, तो यहाँ से आपकी हीट फ्लो हो रही है। तो इस कंप्लीट को मैं सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनालॉगी की हेल्प कर ले सकता हूँ। अब तीनों रेजिस्टेंस को आप इससे सिंगल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ से आप
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अरेंजमेंट पैरेलल में भी हो सकता है। पैरेलल में किस टाइप से होगा, मान लीजिए कोई दीवार है, फर्स्ट दीवार कंप्लीट है, सेकंड इस टाइप से बना रखी है, आधी तो किसी और चीज़, 50% तो वर्टिकल में किसी और सब्सटेंस का है और नीचे वाला किसी और का है, तो इस टाइप से ये पैरेलल में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में ऐड करेंगे इनको, फिर सीरीज में ऐड करेंगे, फिर लास्ट में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे रेजिस्टेंस क्या है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का मैं आपको अभी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अ रिएक्टर्स वॉल 320 mm थिक इज मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ फायर ब्रिक हुज थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.84 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस कवर्ड विद अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। The reactor operates at a temperature of 1325 degree Celsius and the ambient temperature is 25 degree Celsius. कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी जो दीवार है वो 320 mm थिक है, जो इनर लेयर जो दीवार की जो बनी हुई है वो बनी हुई है फायर ब्रिक की, जिसकी थर्मल कनेक्टिविटी आपको दे दी है। नेक्स्ट, उसके बाद कोई इंसुलेशन लगा रखा है और वो किस मटेरियल का है, उसकी है थर्मल कनेक्टिविटी 0.18। इंसुलेशन है तो थर्मल कनेक्टिविटी कम होगी। तो अब टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है 1325 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन होती हैं। एम्बियंट बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द फायर ब्रिक एंड इंसुलेशन विच गिव्स मिनिमम हीट लॉस। आप बताइए कितनी थिकनेस होनी चाहिए पहली लेयर की और दूसरी लेयर की जिससे कि मिनिमम हीट लॉस हो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हीट लॉस प्रिज्यूमिंग दैट द इंसुलेटिंग मटेरियल हैज़ अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस। अब आप हीट लॉस बताइए और मानिए कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ होगा, इंटरफेस पे होगा, वो 1200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जहाँ पे टच है दीवार के, पहली दीवार उसके बाद दूसरी दीवार, तो बीच में जो दोनों दीवारों का टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है इस केस में। इफ़ द कैलकुलेटेड हीट इज नॉट एक्सेप्टेबल देन स्टेट वेदर एडिशन ऑफ अनदर लेयर ऑफ इंसुलेशन वुड प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन। इनको निकालने के बाद आप चेक कीजिए कि अभी भी जो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो कम हुई है या नहीं हुई। अगर कम नहीं हुई तो बताइए क्या एक और लेयर ऑफ इंसुलेशन चढ़ानी चाहिए हमें, उसके लिए कमेंट करना है आपको। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनको पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करना होगा आपको। पहले बना लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, ए का टेम्परेचर पता है आपको 325 और जो बी वाले का लास्ट वाला पता है 25 डिग्री, और इसके बी पार्ट में इसको आपको 1200 डिग्री सेल्सियस दे दिया था, मतलब T1 पता, T2 और T3। थिकनेस नहीं पता आपको कि थिकनेस फाइव ब्रिक वाली कितनी है और इंसुलेशन वाली थिकनेस कितनी है, तो इनको मान लीजिए LA LB। टोटल थिकनेस पता है आपको 320 mm, तो एक को x मानेंगे हम, LA को, LB को 320 माइनस x। तो इसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की हेल्प लेंगे, इसको सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से होंगे जिसमें पैरेलल अरेंजमेंट होगा, जैसे कि फाइंड द हीट फ्लो रेट थ्रू द कंपोजिट वॉल एज शोन इन फिगर। अब इस वॉल में देखिए कि जो ए पोर्शन है वो सिंगल मटेरियल का बना हुआ है, नेक्स्ट जो है ये पोर्शन है जो 8 cm वाला, उसको पहले बी से बनाया हुआ है टॉप से और नीचे बॉटम में सी से बनाया हुआ है, तो ये बी और सी पैरेलल में होंगे, उसके बाद डी से बनाया हुआ है, तो जो नेटवर्क होगा उसका ए पहले आपका है, उसके बाद बी और सी पैरेलल में है, फिर डी सीरीज में है। इसका आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। अब हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन किसने दिया था, फूरियर लॉ ने, कन्वेक्शन को दिया है न्यूटन्स लॉ ने, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बुलाते हैं। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अगर कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एच इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी एफ। ए होता है वो एरिया जो सरफेस का जहाँ पे हीट है, अब सरफेस के साथ जो फ्लूइड कॉन्टैक्ट में है वो वाला सरफेस एरिया,
टी एस सरफेस का टेम्परेचर है, टी एफ फ्लूड का टेम्परेचर है, और एच कांस्टेंट होता है, जैसे वहाँ पे के था यहाँ पे एच है, वहाँ पे कंडक्शन कोफिशिएंट था यहाँ पे कॉन्वेक्टिव कोफिशिएंट है, और क्यू आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कन्वेक्शन में। तो यहाँ से अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू टी एस माई टी एफ हो जाएगा, तो आपकी यूनिट क्या आएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। नाउ एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जैसे के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, वहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, आपका विस्कोसिटी कितनी है, तो उस टाइप से यहाँ पे एच डिपेंड करेगा। मेनली तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, जैसे फोर्स कन्वेक्शन में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एच की वैल्यू, फ्री कन्वेक्शन में एच की वैल्यू कम होती है। नेचर ऑफ फ्लूड फ्लो कैसा है, ज्योमेट्री सरफेस ही कैसी है जिस सरफेस पे से फ्लूड को पास होना है, और थर्मल कंडीशंस क्या हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक एनालॉगी की हेल्प ली थी, यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम कॉन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप आर की जब वैल्यू निकालोगे, क्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, क्यू को आपको लिखना है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई समथिंग, तो टेम्परेचर डिफरेंस टी एस माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच ए को नीचे ले जाओ, वन डिवाइडेड बाई एच ए, वन डिवाइडेड बाई एच ए इज द कन्वेक्टिव थर्मल रजिस्टेंस, इसी को कन्वेक्टिव थर्मल रजिस्टेंस हम बुलाएंगे। तो यही वैल्यू आपकी थर्मल रजिस्टेंस की है। तो वहाँ पे कंडक्शन में थर्मल रजिस्टेंस की वैल्यू थी डी एक्स बाई के ए, कन्वेक्शन में थर्मल रजिस्टेंस होता वन डिवाइडेड बाई एच ए। सो थैंक यू। नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर।